छोटा दीदी घर जाने वाला था ही, तो पता नहीं क्यों नहीं आया, क्यों नहीं गए बोले तो। लालच भी लग रहा है तुम्हें, पहले खा लेता हूँ उसके बाद हम लोग खाएंगे। तो इसका मम्मी पापा मतलब इसका मम्मी मतलब इसको तुमको सिखाया नहीं। हेलो दोस्तों, हमारी न्यू ब्लॉग में आप लोगों को फिर से स्वागत है। और दोस्तों आज हम लोग कुछ बनाने वाले हैं दोस्तों, अब बहुत ही स्पेशल हमारे लिए और हमारे बड़ा भी मतलब उसको पीस रहा है दोस्तों। आप लोग को दिखा रहे हैं, इधर देख सकते हैं आज हम लोग क्या बनाने वाले हैं। रोटी। कौन सा रोटी? अरसा। तो हम लोग अरसा रोटी मतलब बनाने वाले हैं दोस्तों, तो इसीलिए मतलब चावल को इधर पीस रहा है दोस्तों, देख सकते हैं मतलब पूरा ख़त्म ही कर लिया है चावल को, मतलब पीस लिया है दोस्तों, देख सकते हैं इतना सारा है। और ये वाला को मतलब पीस रहा है, इतना सारा पीसेगा तो उसके बाद फिर बनाएंगे दोस्तों हम लोग क्या रोटी, अरसा रोटी। तो दोस्तों अरसा रोटी मतलब काफ़ी दिन हो गए दोस्तों हम लोग मतलब बनाए नहीं थे ना, मतलब खाए नहीं थे। और हमारे उड़ीसा में तो मतलब काफ़ी सारे मतलब खाते हैं कि नहीं, सभी लोग बनाते हैं। जन जन उड़ीसा के लोग हमारे ब्लॉग देखते हैं उसको पता होगा। और हमारे उड़ीसा का मतलब बहुत खास है अरसा रोटी, और शादी वादी में भी मतलब बनाते हैं बहुत में मतलब बनाते हैं दोस्तों अरसा रोटी। तो आज हम लोग बनाने वाले हैं अरसा रोटी और खाएंगे, है कि नहीं। हाँ। दो तीन साल के बाद मतलब बना रहे हैं दोस्तों, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है और खाने में भी मज़ा आएगा। तो आप लोग ब्लॉग में बने रहिए, अभी इसको पीसने देते हैं दोस्तों। थोड़ा सा बच्चा है, इतना सारा बच्चा है तो इसको पीसने देते हैं दोस्तों। हमारे अरसा रोटी पक रहा है दोस्तों, और हमारे बड़ा भी मतलब पका रहा है, इधर देख सकते हैं अरसा रोटी इधर पक रहा है दोस्तों, अभी बहुत ही बढ़िया दिख रहा है लाल लाल। और हमारे छोटा भी उधर है, और दोस्तों हमारे छोटा भी को मतलब रोटी वोटी बनाने के लिए मतलब नहीं आता है, और हमारे बड़ा बीवी बनाता है सभी रोटी को, है कि नहीं। हाँ। और उसको नहीं आता है। और दोस्तों अभी पक रहा है हमारा अरसा रोटी, और इधर दोस्तों देख सकते हैं चावल का आटा, इसको मतलब चाशनी में मतलब मिलाया है दोस्तों चावल को आटा को, चाशनी बना कर उसको मतलब इसमें डाल कर मतलब इसको मिलाया है। और हमारे इधर बन रहा है अरसा रोटी, आप लोग को फिर से दिखा रहे हैं दोस्तों, इधर देख सकते हैं लाल लाल दिख रहा है। और ले चलो दोस्तों अभी बनाने देते हैं अरसा रोटी। दोस्तों अभी हम लोग बैठे हैं छोटा बीबी के साथ घर में, और दोस्तों रोटी पकने का वेट कर रहे हैं, और कब पके मतलब कितना टाइम पकेगा तो मतलब खाएंगे बोल के। और हमारे छोटा बीबी इधर है खाने के लिए, मतलब ये भी देख रहा है कितना टाइम लगेगा बोल के। इसको मज़ा है दोस्तों, क्योंकि इसको रोटी मतलब बनाने के लिए मतलब पड़ता नहीं है, है कि नहीं। हाँ। और खाने के लिए बस खाता है, इसको कोई टेंशन नहीं है। इसको रोटी बनाने नहीं आता है ना, तो इसको मतलब मज़ा है, मज़ा है कि नहीं। हाँ। बस पकेगा तो खाएगा। तो हमारे नहीं आता। और हमारे बड़ा भी मतलब उसको सब आता है बनाने के लिए, तो वो बना रहा है रोटी और हम लोग खाएंगे, है कि नहीं। तो तुमको क्यों नहीं आता रोटी बताओ तो। कभी बनाई नहीं हूँ ना देखी भी नहीं। तो दोस्तों आप लोग बताओ, कमेंट करके बताना। और दोस्तों किसी को मतलब किसी चीज़ का मतलब मालूम नहीं रहता है, आप लोग पता ही होगा। तो मतलब मायके में देखे रहते हैं ना, मम्मी लोग बनाते हैं, हम तो किचन में भी नहीं जाते थे तो नहीं बनाए हैं, नहीं देखे हैं। तो इसका मम्मी पापा मतलब इसका मम्मी मतलब इसको तुमको सिखाया नहीं, काम करने नहीं देते थे ना। तो दोस्तों मतलब इसका मम्मी मतलब इसको काम करने मतलब नहीं देते थे। वहाँ पर बहुत लोग थे, चाची लोग थे और तो इसीलिए मतलब इसको मतलब पता नहीं है दोस्तों। और लेकिन अभी पता हो जाएगा तुमको, थोड़ा थोड़ा सीखने से तो होगा ना, देखने से पता हो जाएगा। तो मतलब सीखने से ही मतलब सब कुछ होता है कि नहीं। हाँ। पहले से तो मतलब किसी को मालूम नहीं रहता है, तो मतलब तुमको भी बोल रहा हूँ तुम भी सीखो रोटी वोटी बनाने के लिए, और तुम्हारे हाथ का रोटी खाएंगे। हाँ। है कि नहीं दोस्तों, आप लोग कमेंट करके बताना। ये इसको मतलब अब बोलेंगे एक बार रोटी बनाने के लिए, कैसे रोटी बनाएगा देखेंगे, और उसका ब्लॉग भी आएगा एक दिन। और अभी हमारा रोटी का इंतज़ार मतलब ख़त्म होने वाला है, मतलब पकने वाला है। तो अभी लाएगा हमारे बड़ा भी रोटी, तो उसके बाद खा कर देखेंगे, है कि नहीं। हाँ। और बहुत दिन के बाद हम लोग मतलब रोटी खा रहे हैं दोस्तों, मतलब खाएंगे
अरसा रोटी, और हमारे उड़ीसा में तो काफ़ी लोग खाते हैं अरसा रोटी। और दोस्तों हमारे छोटा दीदी घर जाने वाला था, ये तो पता नहीं क्यों नहीं आया, क्यों नहीं गए बोले तो। मैं तो मजाक कर रही थी। तो दोस्तों हमारा घर नहीं गया, अरे देखो ये भी खुश हो जा रहा है। इधर देखो, इधर देखो, तो तुम्हारी मम्मी घर नहीं गया ना? हाँ हाँ, तो मतलब अभी भी खुश हो जा रहा है। हाँ हाँ, देखो मोबाइल को पकड़ने के लिए मतलब देखो कैसे हो जा रहा है। इधर बैठो, और मतलब हमारे छोटा भी तो गया नहीं, बोलो क्यों नहीं गई? बोलो नहीं गए, क्यों नहीं गए बोलो तो। क्यों जाऊँ मैं तो यहाँ पर ना। तो मेरे पास खुश में है तो इसीलिए मतलब नहीं जाएगा, जाओ ना। दोस्तों हमारे अरसा रोटी बनकर तैयार हो गया है दोस्तों, और इधर बैठे हैं हमारे दोनों बीबी मतलब खाने के लिए। तो जल्दी ब्लॉग बनाएगा तो मतलब खाएंगे जल्दी जल्दी बोल के, इधर देख सकते हैं बैठे हैं। और दोस्तों हमारे इधर है अरसा रोटी, देख सकते हैं दोस्तों कितना मतलब बढ़िया दिख रहा है, लाल है कि नहीं? हाँ। बहुत ही बढ़िया है दोस्तों, और लालच भी लग रहा है तो मैं पहले खा लेता हूँ, उसके बाद हम लोग खाएँगे। तो बहुत ही बढ़िया लग रहा है दोस्तों, मीठा भी है, काफ़ी मीठा है। और आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना तुम्हारी तरफ मतलब ऐसा रोटी खाते हैं या नहीं। हमारे वैसे भी तो काफ़ी लोग खाते हैं, और शादी घर में भी खा रहे हैं कि नहीं? हाँ। और हमारे बड़ा भी ने बनाया है रोटी को, खाने का मन नहीं हो रहा है। तो इसको पहले दे देते हैं एक रोटी, पकड़ो खा कर देखो। और इधर हमारा कोहिनूर खाने के लिए आ गया है, पकड़ो। तो दोस्तों खुश हो जा रहा है हमारा कोहिनूर खाने के लिए, और इधर देख सकते हैं, बोलो कुछ बोलो। तो जा रहा है उधर बाहर तरफ उधर खाने के लिए। और दोस्तों हमारे छोटा भी पूछते हैं कैसा लग रहा है? बहुत ही टेस्टी है, बहुत ही बढ़िया लग रहा है ना? हाँ, बहुत मीठा है। और तुमको कैसा लग रहा है? बढ़िया लग रहा है, मीठा है बहुत। अच्छा है ना? हाँ। तो काफी बढ़िया लग रहा है दोस्तों, खा रहे हैं तो हम लोग। इधर देखो हमारे बच्चे लोग झगड़ा हो रहे हैं खाने के लिए, अब पकड़े हुए हैं, खाओ ना खाओ। तो दो रोटी पकड़ लिया है दोस्तों, और इधर ये वाला एक रोटी पकड़ा है और पकड़ रहा है, खाओ खाओ। तो ले चलो दोस्तों, आप लोग कमेंट करके जरूर बताना तुम्हारी तरफ मिलता है या नहीं, और कैसा लगा हमारा ब्लॉग आप लोग कमेंट करके जरूर बताना। और नेक्स्ट ब्लॉग मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय। मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये।